I am coming for 7th Thumb Awards happening on Saturday, 5th October at NRG Arena, Houston. I'm so excited to see you all. Go book your ticket now. प्रसकुट साहब आइंदा समात में इनका भाई अदालत में मौजूद तेरा लाख लाख शुक्र देखिए हाफिज साहब अगर हमारा गवाह मुकर गया तो फिर हाफिज साहब फैसला भी वही आएगा जो सेशन कोर्ट से आया यानी आपने नहीं देखा कि कौन आपके ब्यूटी पार्लर में आया और किसने इनके ऊपर हमला किया और आपने किसी को नहीं देखा जी नहीं मैंने किसी को नहीं देखा जी तो राशिद अहमद साहब आपका चौथा गवाह कोई अननोन है जाके उसे ले आए उसकी जरूरत नहीं है योर ऑनर क्योंकि वो मेरी जेब में है अम्मा वो भी अदालत के कमरे में है अभी बात नहीं हो सकती उसे कहना जब निकले तो मुझसे बात करे वैसे उसका मैसेज तो आया हुआ है कि आप लोग इत्मीनान रखें हम केस जीत रहे हैं जब निकले तो मुझसे बात करें जी ठीक है ये मेरा ख्याल योर ऑनर मैं आपकी इजाजत से अपने तमाम गवाहान को अदालत में बुलाना चाहता हूं ऑब्जेक्शन योर ऑनर जब एक दफा गवाह पहले आ चुके हैं तो फिर दोबारा बुलाने का मकसद वैसे इसकी इजाजत तो नहीं है लेकिन चूंकि गवाह गवाही दे चुके हैं लिहाजा आप बुला लें योर ऑनर इजाजत है
दूध का दूध पानी का पानी हो गया। That's all, Your Honor. अम्मा, वकील का फोन आया था, कह रहा था कि दुआ करें। ये कौन है, ये जानती हैं आप? ये आप हैं या कोई और? आप मेरी तरफ देखें, ये जो कुछ सामने नजर आ रहा है ये यही कुछ है या कुछ और है? सोच के जवाब दे मुझे, मैं इसका फ्रेंसिक करवाऊंगा। अगर आपका बयान इसकी रिपोर्ट के मुखालिफ हुआ तो मैं आपको झूठी गवाही के केस में कैद में डाल दूंगा। ये अदालत है बीबी, कि मजाक नहीं है। और वैसे भी आजकल झूठी गवाही पे बहुत सख्ती हो रही है। ये सब सच है सर। यानी अभी जो कुछ आप कह रही थी वो सब झूठ था? जी सर। अगर आप ही बताएं मैं आपको इसकी क्या सजा दूं? वैसे आप बता सकती हैं ये झूठ बोलने में आपको मजबूरी क्या थी? सर, इन्होंने पहले हमें उठा लिया था, दूसरी बार इन्होंने हमें धमकी दी कि हम तुम्हारे बच्चों को उठा कर ले जाएंगे। मुझे तो कुछ पता नहीं जाई साहब, कि पता नहीं इन्होंने कब से मेरे बच्चों को अपने पास रखा हुआ था। पुलिस, इसे हाथ खड़े लगाएं। या अल्लाह। डैड, डैड ये देखें, डैड कॉल कर रही हूँ। डैड प्लीज कॉल कर, डैड प्लीज, मैं अभी बात मानूँ, कॉल प्लीज मदद कर दे, डैड डैड प्लीज कॉल करें ना डैड। मॉम, हाजरा इलियास केस में एक ड्रामाई मोड़ आ गया। जी हाँ, हाजरा इलियास के वकील ने कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज दिखा दी जो इस केस में बहुत अरसे से मिसिंग थी। सीसीटीवी फुटेज में वाजिया तौर पर वारदात होती हुई देखी जा सकती है। जैसा कि मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं, इस केस के गवाहान जो पहले किसी खास दबाव की वजह से मुनहरिफ थे, उन्होंने भी रेहान चौधरी के मुलविस होने की तस्दीक कर दी है। इस वक्त अभी कोर्ट में लंच ब्रेक है, यकीनन लंच ब्रेक के बाद हम इस केस के फैसले की तवक्को कर सकते हैं। इब्रार हुसैन, जस्टिस जकाउल्लाह बलोच की अदालत में पेश किए जाने वाले गवाहन पर रेहान चौधरी की तरफ से दबाव, सीसीटीवी फुटेज के बाद केस का नया मोड़, लंच ब्रेक के बाद इस केस के फैसले की तवक्को की जा रही है। हाजरा इलियास केस ने लिया एक नया मोड़, सीसीटीवी फुटेज बरामद, झूठे गवाहान की अदालत से माफी की दरख्वास्त, रेहान चौधरी के मुस्तकबिल का फैसला देखिए कुछ देर बाद। ये सब उस एसएचओ का किया धरा है। उस घटिया शख्स ने झूठ बोला है हमसे, फुटेज जाया कर दी, वो फुटेज उसने उनके आगे बेच दी। देख लेना चौधरी साहब, देख लेना इसका करती क्या। जो होना था वो तो हो गया, मेरी पगड़ी तो उछल गई। कम ऑन चौधरी साहब, आपने अपने आप ऐसी हार मान ली है। वकील साहब,
चौधरायन साहब एक और से क्या कहूं मैं, दे दें कोई ऐसा ही आसरा जैसे ये हमें दे रही है। पत्थर तो कमाल हो गया, तो मौजा हो गया है। जी हाफिज साहब। ओ वकील साहब, ये आपने क्या अपना एक पत्ता छुपा के रखा हुआ था। तो ये हुआ कैसे? ये फुटेज मेरी जेब में उस रोज भी थी जिस रोज हम सुप्रीम कोर्ट में मिले थे। उससे एक रात पहले ही किसी ने मुझे ये पहुंचाई थी, और ये चूंकि एक टर्निंग पॉइंट था इसी वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि ये एक सीक्रेट चीज़ थी और सीक्रेट सीक्रेट ही होता है, और अगर ये लीक हो जाता तो फिर इसके बाद हमारे पास बचना कुछ नहीं था। तो सब तो ठीक है, लेकिन मैं पता तो होना चाहिए, इतना बड़ा एहसान किसने किया हम पर? बता दूँ? आपके वालिद मुर्तजा मलिक ने। मलिक साहब? जी, उनका कहना यह था कि आपको इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन मेरा जाती ख्याल यह है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत अच्छा किया आपने। मिस हाजरा इलियास, ये चौधरायन साहब आपसे बात करेंगे। क्या बात करेंगी? आप बात करके देख लें। कर ले बात। थैंक यू वेरी मच। हेलो हाजरा, मैंने रेहान का कमरा साफ कर दिया, आटा भी गूंथ ली, देसी मुर्गियों के कटवा के रख दी, चावल भी भिगो दी, गुड़ वाले चावल खाता है ना जब भी मेरे पास यहाँ आता। मैंने रात को ख्वाब में देखा है कि आज तुम्हें वो इख्तियार मिल जाएगा जिसके बाद तुम चाहो तो किसी को भी माफ कर सकती। इसलिए एक बार फिर एक माँ अपने बेटे के लिए झोली फैला रही है तुम्हारे आगे। जेल की जगह पीसने से वो इंसान नहीं बन सकेगा, उसे मेरी गोद में वापस दे दो, वापस दे दो उसे मेरी गोद में, शायद उसकी तासीर से वो बदल जाए। गवाहों के बयानात और शवाहद की रोशनी में मजीद किसी सफाई की ज़रूरत नहीं, इसलिए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़म रेहान चौधरी ने हाजरा इलियास पर हमला किया, लिहाजा यह अदालत मुल्ज़म रेहान चौधरी को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 303 के तहत 7 साल कैद बा मुशक्क़त की सज़ा सुनाती है।
योर ऑनर। हाजरा इलियास, आप ये किसी दबाव के तहत तो नहीं कह रही? नहीं योर ऑनर, मैं अपनी मर्जी और अपनी रजा से इस शख्स को माफ कर रही हूं। वैसे लोग इसका तासुर कुछ और भी ले सकते हैं, यानी दबाव या लालच, और इससे भी ज्यादा खतरनाक तासुर ये कि इस जैसे लोग ऐसे घिनौने जुर्म का इरतकाब करते हुए कहीं इस गलत फहमी में न रहें कि वो अपनी ताकत और दौलत की बुनियाद पर अदालत से सजा पाने के बावजूद भी बच निकलने में कामयाब हो सकते हैं। Your Honor, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज कटहरे में आए। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं योर ऑनर, लेकिन मैंने इसकी मां से वादा किया था कि जब मुझे इसे माफ करने का इख्तियार मिलेगा तो मैं इसे माफ कर दूंगी। और आज इस अदालत ने मुझे इख्तियार दे दिया। इसकी ताकत और इसकी दौलत के आगे मेरी लड़ाई का मकसद ये नहीं था कि मैं इसको जेल में चक्कियां पिसवाऊं। मैं बाइज्जत होना चाहती थी, सुर्खरू होना चाहती थी। मैं अपने भाई का झुका हुआ सर उठाना चाहती थी, अपनी मां को बावर करवाना चाहती थी कि उनकी बेटी बदकिरदार नहीं है। Your Honor, मुझे उस खून की परवाह नहीं है जो इन जख्मों से निकला था। मुझे परवाह है उन आंसुओं की जो मेरे वालिद साहब की चादर में जज्ब हो गए थे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपकी, इस अदालत की, कि मुझ जैसी बहुत सी हाजराओं का एतमाद बहाल हुआ है आज। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, दरख्वास्त करती हूं कि रेहान चौधरी को जेल में नहीं, इसकी मां के पास भेजा जाए, अपनी मां की गोद में तरबियत ले, क्योंकि एक मां ही एक बेटे को एक औरत की इज्जत करना सिखा सकती है।
जी हाजरा इलियास केस का फैसला आ गया। जी हाँ नाजरीन, हाजरा इलियास केस का फैसला आ गया। अदालत ने दी मुजरिम को 7 साल की कैद की सजा, लेकिन मुजरिम फिर भी रहा। हाजरा इलियास ने उस वक्त तमाम लोगों को हैरत में डाल दिया जब उसने अपने ही मुजरिम को माफ कर दिया। जी हाँ, हाजरा इलियास ने रेहान चौधरी को माफ कर दिया। जेल नहीं, माँ की गोद। एक मर्द को उसकी माँ ही औरत की इज्जत करना सिखा सकती है। हाजरा इलियास ने कोर्ट में मजीद बात करते हुए कहा कि किसी भी मर्द को यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो किसी औरत के एहसास की मलकियत का दावा करे। इनकार का मतलब इनकार समझा जाए। इब्रार हुसैन। जेल नहीं, माँ की गोद। एक मर्द को उसकी माँ ही औरत की इज्जत करना सिखा सकती है। इनकार का मतलब इनकार समझा जाए। किसी मर्द को यह हक हासिल नहीं है कि वो किसी औरत के एहसास की मलकियत का दावा करे। हाजरा इलियास की अदालत से गुफ्तगू। इलियास साहब, कोर्ट के फैसले के बाद अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा महसूस कर रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है? मेरी आंखों में आंसू है, लेकिन ये खुशी के आंसू है। मैं बस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, लाख लाख शुक्र अदा कर रहा हूँ रब सोने का कि उसने हमारी इज्जत रखी और उसने हमें इंसाफ दिलवाया। क्योंकि यहाँ पे इंसाफ की बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इंसाफ मिलता नहीं है आम आदमी को, गरीब आदमी को। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें इंसाफ मिला, हमारी इज्जत रख ली सोने रब ने। और मैं जज साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इंसाफ दिया और हमें सुरखरू किया। एक बाप होकर आपने सब कुछ कैसे फेस किया? बीबी, बाप होकर ही मैं इस सूरत हाल से लड़ सकता था, वरना तो अगर मैं बाप के रुतबे से नीचे आ जाता तो मैं तो एक दिन नहीं खड़ा रह सकता था इन लोगों के खिलाफ। अलबत्ता एक चीज मैं जरूर कहूंगा सब माँ बाप को, जो लोग सुन रहे हैं, जा सुन रहे हैं ये बात, माँ बाप कि अपने बच्चों की गलतियों को माफ कर दिया करें। बच्चों से गलती हो जाती है, लेकिन उनको धुतकारना नहीं है, उनको समझाना है, उनको समझना है, उनसे प्यार से बात करनी है, उनको गले लगाना है। ठीक है, क्या आप इस अदालती फैसले से मुतमईन हैं? भाई आपको क्या लग रहा है? मैं क्या मुतमईन होऊंगा, आप खुद मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हर बंदा मुतमईन दिखाई दे रहा है, हर मजलूम आदमी मुतमईन दिखाई दे रहा है, क्योंकि फैसला मजलूम के हक में और जालिम के खिलाफ हुआ है। ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए हर शख्स मुतमईन है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अदालत ने तो इंसाफ दिया, इंसाफ किया, पूरा इंसाफ किया है रब सोने की मेहरबानी से। लेकिन ये जो अदालतें आप लोग लगा लेते हैं ना, गली में, मल्ले में, थड़े पे बैठ के दूसरों की बेटियों के, वो भी किसी की बेटियां हैं ना, वहाँ उनके ऊपर इल्जामात, यहाँ तक के मस्जिदों में भी, तो खुदा का नाम ये ना करे, क्योंकि 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 ये गुनाह है किसी मजलूम पे बगैर कोई सबूत मिले उस पे इल्जाम लगाना गुनाह है। तो खुदा के लिए ये अदालत ना लगाए, आप सुना तो माफ कर देता है, बंदा माफ नहीं करता, तो आप भी माफ करने वाले बने। तो क्योंकि बेटियां सबकी सांझी होती हैं और इज्जत भी सबकी सांझी होती है। माफ करना भाई, खुशी के आंसू। Ah!
आ जाओ बेटा, हाजरा आ जाओ। शानी आओ। मलिक साहब देखे कौन आया है। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इन माय ओपिनियन तुम्हें उसे माफ नहीं करना चाहिए था। हर रियासत में जुर्म की एक सजा होती है, पूरी मशीनरी काम करती है उस मुजरिम को सजा दिलाने के लिए। पैसा लगता है, एनर्जीज खर्च होती हैं, और फिर इस तरह के केसेस में तो लोगों की अटैचमेंट हो जाती है। हो सकता है तुम्हें माफ करने से बहुत सारे लोग हर्ट हुए हों। सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या करूं, मैं एक हाफिज़े कुरान की बेटी हूं। बस अब्बा जी ने शुरू से ये सिखाया है कि जालिम के आगे सर नहीं झुकाना और कमजोर पे हाथ नहीं उठाना। एनीवेज मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। सर अल्लाह का बहुत शुक्र है, और सर आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बड़ी हेल्प की है मेरी। जब कोई सच्चाई के रास्ते पे डट जाता है ना, तो कुदरत की सारी मशीनरी उसके ताबे हो जाती है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती। नहीं 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 आंटी नहीं, अब अब्बा जी बाहर टैक्सी में बैठे हैं, तो मैं बस निकलती हूँ। मैं नहीं, अरे ऐसे कैसे, तुम बैठो मैं उनको बुला। नहीं, बहुत लोग आए होंगे घर पे, बहुत दूर से, मोहल्ले से, इधर उधर से, तो बस अब हमें चलना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ, हम तुम्हारे घर आके ही चाय पीते हैं। नहीं, मुझे लगता है आंटी ये हमारी आखिरी मुलाकात है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की है, और उसी के बदले में आपका बेटा आपको वापस लौटा रही हूँ। ये क्या कह रही हो बेटा, बात करने दो। चैन बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और सर मेरे पास बिल्कुल भी अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, लेकिन दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सुनो, ये बंदा जो तुम मुझे वापस कर रही हो, ये डील तो हमारी किसी और केस के सिलसिले में थी ना। आई गेस वो तुम्हारे भाई की किडनैपिंग वाला केस था, ये बात तो कुछ और है। क्या बात सर? तुम्हारे लॉयर ने कुछ नहीं बताया तुम्हें? नहीं, मुझसे तो जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी आपने ये सब कुछ किया तो उसके लिए आई हैव टू पे फॉर इट। इज राइट, लेकिन ये तो उससे बड़ी बात है, हमें इस डील को रिवाइज करना होगा। और क्या चाहते हैं आप? अभी तुम्हारा क्या करना है? मैंने अपना ये स्टेचर, ताल्लुकात, ये सब कुछ तुम्हारे जैसे गधे पे तो जाया नहीं करूंगा ना, मुझे कुछ और चाहिए। जी सर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ और चाहिए, मुझे एक समझदार ज़हीन और प्यारी बेटी चाहिए। I'm proud to be your father. Thank you. इसका तो पता नहीं ECSS करे ना करे, तुम जरूर करोगे, I know that.
क्यों माँ? ये क्यों किया है उसने? क्यों किया है उसने? तुझे तो पता होगा ना, तुझे तो पता होगा वो बिल्कुल तेरे जैसी है, बिल्कुल तेरे जैसी। मुझे तो कोई सूझ चुका है तो मैं उसका गला दबा दूं। मैंने उसको काट के रख दिया मार, उसने मुझे तेरी गोद में डाल दिया। क्यों मां बताना, तुझे तो पता होगा वो तेरे जैसी है ना, बता दे, बता क्यों किया उसने? उसने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। अपने जैसी बहुत सी हाजराओं के लिए किया, उन्हें बचाया उसने। तो 4 साल बाद जब जेल से वापस आता ना, तो तेरे दांत और भी तेज हो चुके होते, तेरे अंतर का मर्द और भी मुजोर और बेलगाम हो चुका होता। माफ करके उसने उसको लगाम डाल दी, लगाम डाल दी उसे। वरना तू किसी औरत के पैरों में बैठता, चाहे वो तेरी मां ही क्यों ना होती। उसने बड़ी कड़ी सजा दी है पुत्र, बड़ी कड़ी सजा दी है तुझे। एक मां का मान भी रख लिया और तुझे माफ करके मर के हट्टी कर दी। मुझे बचा ले अम्मा, मुझे बचा ले अम्मा, मुझे मुझे अपने जैसा बना ले। मैं खुद से थक गया हूँ, खुद से डर गया हूँ, मुझे उसके जैसा बना ले, मुझे मुझे अपने जैसा बना ले अम्मा, मुझे अपने जैसा बना ले, मुझे उसके जैसा बना ले, मुझे मुझे मैं नहीं रहना, मुझे बचा ले अम्मा। मैं डर गया हूँ, मैं खुद से डर गया हूँ, मैं मुझे बचा ले, मुझे बदल दे अम्मा, मुझे बदल दे, मुझे नहीं रहना, मुझे उठ जा पुत्र, उठ जा। खुद अपनी लाज को सर पे ओढ़ के, तेरी चाहत का सहारा नहीं चाहिए खुदारा। सांस लेती सी शह समझो एक